हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूं इरफान। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक शर्ट का कॉलर का पैटर्न कट करना बता रहा हूं। शर्ट के कॉलर का पैटर्न कैसे कट किया जाता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक एक पॉइंट के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शर्ट के कॉलर का पैटर्न कैसे कट किया जाता है। कॉलर का पैटर्न कट करने के लिए मैंने पेपर लिया है, ये 6 इंच है, 6 इंच। आप इसको कम भी कर सकते हो, मैंने 6 इंच लिया है, 6 इंच। और इसमें मैं आपको शर्ट के कॉलर का पैटर्न कट करना बता रहा हूँ। यहाँ हम शर्ट का कॉलर का मेजरमेंट रखेंगे 16 इंच 16 इंच। 16 इंच के हिसाब से मैं आप लोगों को शर्ट का कॉलर का पैटर्न कट करना बता रहा हूँ। कॉलर 16 है, 16 का हाफ करेंगे 8 इंच 8 इंच। जितना भी कॉलर है उसका हाफ मार्क लगा लेना है, तो 16 का आधा 8 इंच। यहां से 1 इंच पे मार्क लगाना है ऐसे। और अब यहां से 1 सेंटीमीटर यानी के 3 सूत ऐसे मार्क लगाना है। और अब यहां से हम मार्क लगाएंगे 1/4 इंच 3/4 इंच। और अब यहां से 1/4 इंच अंदर हम एक मार्क लगाएंगे, 1 इंच 1/4 1/4 इंच। आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 से 1.5 इंच मार्क लगा लेना है। हमने 1/4 इंच लगाया है, 1 इंच 1/4। यहां से 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच। और अब यहां इस मार्क को इस मार्क में मिला देना है। यहां पर अच्छे से शेप कर लेना है ऐसे। और अब यहां मार्क लगाना है 1/4 इंच पर, 1 इंच 1/4। 1 इंच एक सूत भी लगा सकते हो, मैं 1/4 इंच लगा रहा हूं। और अब यहां से हम मार्क लगाएंगे 1/2 इंच 1/4। अब यहां से हम चौड़ाई का मार्क लगाएंगे, तो आप ये 1/2 इंच 2 इंच 2.25 3 3.5 इंच कॉलर के हिसाब से लगा सकते हो। आपको किस टाइप का कॉलर चाहिए उसी हिसाब से मार्क लगाना है। हम यहां मार्क लगा रहे हैं 2.5 इंच 2.5 इंच। अगर आपको टाई कॉलर चाहिए तब आप 3 इंच लगा लो। अगर आपको कटवे कॉलर चाहिए, छोटा कॉलर, तब आप यहां से 2 इंच भी लगा सकते हो। मैं 2.5 इंच लगा रहा हूं, 2.5 इंच। अब यहाँ दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इसी मार्क पे कट कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से एक ऐसे मार्क लगाओ 1/2 इंच पे, 1/2 इंच। अब आपके पसंद पे डिपेंड करता है, आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो या फिर ये जो मैंने तरीका बताया है ऐसे भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर लो।
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।